नमस्कार, केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं कर्नाटका की 20 अहम सुर्खियों पर। सीमा विवाद, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच बस सेवाएं स्थगित। बढ़ते सीमा विवाद के बीच शिवसेना यूबीटी ने बेलगावी के लिए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांगा। सिद्धरमैया खान, धर्मनिरपेक्षता में मेरे विश्वास की पहचान, भाजपा नेता के उपहास पर कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बताया। परिवहन का खर्च उठाने में असमर्थ, कर्नाटका में पत्नी के शव को कंधे पर ढोया। बेलगावी में स्थिति शांत, महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने 19 नवंबर को वार्षिक महामेला की योजना बनाई है। कर्नाटका में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना की जाएगी। बेंगलुरु नागरिक निकाय मल्लेश्वरम में वृक्षों की गणना किया। प्रीपेड ऑटो कियोस्क जल्द ही बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन पर आने वाले हैं। व्हाट्सएप पर बिकी 18 यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट, बेंगलुरु में गिरफ्तार गिरोह। गायक लकी अली के भूमि हड़पने के आरोप 3 दशक लंबी, बेंगलुरु संपत्ति गाथा में नवीनतम प्रकरण है। कर्नाटका सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटका सरकार मेडिकल कॉलेज में IVF क्लिनिक पर विचार कर रहा है। हेजल्ला, चामराजनगर लाइन के लिए राज्य जमीन शेयर की लागत का अधिग्रहण करेगा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा। कर्नाटका में रेलवे परियोजनाओं के लिए धन आवंटन में 629% की वृद्धि, रेल मंत्री ने बताया। सीमा विवाद, गोविंद कारजोल ने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस से कांग्रेस तक, AH विश्वनाथ आ सकते हैं फुल सर्कल। जेवरगी तालुका में दुर्घटना से सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी की मौत। तुमकुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना, मुख्यमंत्री बोमे ने बताया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया थर्मल कैमरा ड्रोन। बंगलुरु में ज्वेलरी शोरूम में हिंदू संगठन के सदस्यों ने पुरुष कर्मचारियों पर किया हमला। केपी एक्सप्रेस कर्नाटका में आज इतना ही। देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।